ICAR IIHR बेंगलुरु की स्थापना सन 1967 में बागवानी फसलों में पर्यावरण हितैषी, टिकाऊ तथा व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान बागवानी फसलों की सतत उत्पादकता, गुणवत्ता और उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत रणनीतिक व अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करता है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित क्षेत्रीय केंद्र के साथ संस्थान में 54 बागवानी फसलों पर 154 वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान में शोध कार्यों के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, प्रक्षेत्र तथा संरक्षित खेती के लिए पॉली हाउस उपलब्ध हैं। बागवानी से संबंधित जनन द्रव्य का सक्रिय भंडार है, जिसमें 10,000 से अधिक जीनोटाइप संरक्षित हैं। संस्थान में पादप निदान, मृदा विज्ञान तथा खाद्य सुरक्षा संप्रेषण से संबंधित प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें फसलों के विश्लेषण के लिए विभिन्न आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। अपने 5 दशक के अनुसंधान द्वारा संस्थान ने 136 प्रौद्योगिकियों तथा 301 से अधिक उच्च उपज तथा प्रतिरोधी किस्मों व संकरों का विकास किया है। ICAR IIHR द्वारा विकसित किस्मों व प्रौद्योगिकियों का व्यापारिक नाम अर्का है। संस्थान द्वारा फलों, सब्जियों, शोभाकारी व औषधीय फसलों में विकसित किस्मों व संकरों में प्रमुख अमरूद की किस्म अर्का किरण, भारत में टमाटर की 3 रोगों की प्रतिरोधी प्रथम संकर अर्का रक्षक, प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्म अर्का विशेष, मिर्च की संकर अर्का मेघना, अनुवांशिक नरबंध गेंदा अर्का बंगारा, रजनीगंधा अर्का प्रज्वल, गुलाब की किस्में अर्का परिमला तथा अर्का सिंचना और किवांच की किस्म अर्का शुभ्रा है। IIHR ने एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट तथा रंबूटान की नवीन किस्मों की खेती, 12 सब्जी फसलों की जैविक खेती तथा संरक्षित खेती की उत्तम विधियों का मानकीकरण किया है। IIHR द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों में प्रमुख अर्का सूक्ष्मणीय मिश्रण एक द्रव्य आधारित उत्पाद है, जो उपज बढ़ाने में सहायक है। फल मक्खी जाल, जो फल मक्खी के प्रकोप को कम करने में सहायक है। जैव पीड़कनाशी, मूल संवर्धन कटाई के बाद प्रौद्योगिकियां, निर्जलीकृत शुष्क फल व सब्जियां, परिरक्षक मुक्त व पीने के लिए तैयार कटहल का रस, कटहल चॉकलेट रैप, कटहल कुकीज, प्रोबायोटिक फल रस, सौर ऊर्जा चलित सब्जी वेंडिंग वाहन, मशरूम स्पॉन उत्पादन उपकरण तथा पीड़क नाशकों के अवशेष को हटाने के लिए हर्बल उत्पाद अर्का हर्बी वॉश है। संस्थान ने 2 कृषकों, श्री परमेश व श्री शंकरा को कटहल की अनुवांशिक विविधता के संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान कर जैव विविधता को आजीविका सुधार के साथ जोड़ा है। इसके द्वारा उनकी आय में 10 गुना वृद्धि हुई है। संस्थान के प्रौद्योगिकियों का इंक्यूबेशन बेस्ट हॉल्ट तथा बिक्री कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के माध्यम से किया जाता है। संस्थान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है तथा 50 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ समझौता भी है। विकसित किस्मों और प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए KVK की मदद से विभिन्न क्षेत्रों में 1,000 से अधिक प्रदर्शन किए गए हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों तथा किस्मों के हस्तांतरण हेतु सन 2017 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। एक बीज पोर्टल ऐप SBI योनो से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से किसान अपने घर पर ही बीज प्राप्त कर सकते हैं, और एक अन्य ऐप आर्का भगवानी को विकसित किया गया है। संस्थान की प्रौद्योगिकियों को 400 लाइसेंस धारियों द्वारा गैर अनन्य आधार पर खरीदा गया है तथा संस्थान द्वारा विकसित 12 प्रौद्योगिकियां देश की अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ रुपए का योगदान दे रही हैं। आज कई आविष्कारों व पहचान के साथ
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु बागवानी फसलों के अनुसंधान कार्यों में एक प्रधान संस्थान बनकर उभरा है।